नमस्ते दोस्तों, मैं समीर गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर सोनिया की क्राफ्ट वर्कशॉप में आपका स्वागत करता हूं। सोनिया, पिछली बार आपने हमारे दर्शकों को एक बैलून से प्यारा सा डॉगी बनाना सिखाया था, इस बार आप हमारे दर्शकों को क्या सिखाने वाली हैं? समीर, इस बार मैं सिखाने वाली हूँ गुब्बारे से जिराफ बनाना। इसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी? गुब्बारे से जिराफ बनाने के लिए हमें चाहिए एक 260 क्यूब बलून, एक गुब्बारा फुलाने का पंप और मार्कर पेन। बलून पंप की सहायता से गुब्बारा फुलाइए। ध्यान रहे, गुब्बारे के आखिरी सिरे पर कम से कम आपकी हथेली की चौड़ाई जितनी जगह खाली रहे। सबसे पहले हम जिराफ का मुंह बनाएंगे। इसके लिए मुंह की लंबाई तय करते हुए गुब्बारे को इस तरह 4 से 5 बार ट्विस्ट कीजिए। बाएं हाथ की आखिरी उंगलियों से इसे पकड़े रहिए और आगे की उंगलियों की सहायता से इस प्रकार एक और बबल बनाइए। यह जिराफ का एक कान बनेगा। अब गुब्बारे को इस तरह मोड़िए और पहले कान की बराबर लंबाई में दूसरा कान बनाते हुए दोनों कानों को एक साथ लॉक कर दीजिए। अब हम जिराफ की गर्दन बनाएंगे। इसके लिए गर्दन की लंबाई तय करने के बाद इसे एक बार ऊपर की ओर इस तरह मोड़ दीजिए ताकि यह तिरछी हो जाए और अब ट्विस्ट कर दीजिए। जिस तरह आपने जिराफ के कान बनाए ठीक उसी तरह अगले पैर बनाइए। अब एक बबल बनाकर जिराफ का पेट बना दीजिए। अगले पैरों की तरह ही पिछले पैर बनाइए। ध्यान रहे, जिराफ के पिछले पैर अगले पैरों से छोटे होते हैं। आपका जिराफ बनकर तैयार है। यदि आप चाहें तो मार्कर पेन की सहायता से जिराफ की आंखें, मुंह और शरीर पर धब्बे बना लीजिए। ये और भी सुंदर लगने लगेगा। हर शुक्रवार मेरा नया क्राफ्ट वीडियो देखने के लिए मुझे YouTube पर जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।